हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप सभी के साथ आम का अचार की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो मैंने यहाँ पर आम का अचार बनाने के लिए 1 केजी आम ले लिए हैं। अभी मैं सभी आम को अच्छे से पानी से धो लूंगी। उसके बाद सभी आम को एक साफ कपड़े से अच्छे से पोंछ लूंगी। आम में थोड़ा सा भी पानी नहीं लगा रहना चाहिए। अब आम को अच्छे से सुखा लीजिए। मैं आम को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लूंगी। आम को कटने पर यह थोड़ा पीला जैसा दिख रहा है, लेकिन यह अभी कच्चा आम है। इसे काटने में मुझे बहुत ही हार्ड लग रहा है। तो मैंने सभी आम को छोटे छोटे पीसेस में कट करके रेडी कर लिया है। अभी हम सभी आम को एक बाउल में भर लेंगे और इसमें 2 चम्मच नमक ऐड कर लेंगे। अभी हम इसमें 2 चम्मच हल्दी का भी ऐड कर लेंगे। और सारी चीजों को मैं अच्छे से हाथ से मिला लूंगी। मैंने सारी चीजों को हाथ से अच्छे से मिला लिया है। अभी मैं इसे एक ढक्कन से ढककर रात भर छोड़ दूंगी। आप 7 से 8 घंटे इसे ऐसे ही छोड़ सकते हैं। सुबह जब आप देखेंगे तो पाएंगे आम पानी छोड़ने लगा है। देखिए आम ने कितना पानी छोड़ दिया है। मैंने एक छलनी से छानकर पानी को आम से अलग कर लिया है। अभी मैं इन आम के पीसेस को पूरे 1 दिन अच्छे से तेज धूप में सुखा लूंगी। तो देखिए दोस्तों, सूखने के बाद आम के पीसेस कैसे दिख रहे हैं। ये बिल्कुल अचार बनाने के लिए रेडी हो गया है। चलिए दोस्तों, हमें कौन कौन से मसाले की जरूरत पड़ेगी देख लेते हैं। सौंफ 2 चम्मच, मेथी के दाने 1 चम्मच, पीली सरसों 2 चम्मच, हल्दी 1 चम्मच, सरसों का तेल 100 ग्राम, काली सरसों 2 चम्मच, लाल मिर्च का पाउडर 1 चम्मच और नमक 1 चम्मच। अभी हम सारे मसालों को हल्का सा रोस्ट करके दरदरा पीस लेंगे। मैं अभी अचार में कच्चे सरसों का तेल डाल रही हूँ। अभी हम सभी दरदरा पिसा हुआ मसाला भी डाल देंगे और अच्छे से 1 चम्मच से हिला लेंगे सारे मसालों को अचार के साथ। मसालों के साथ इसमें 1/4 चम्मच हींग भी डाल लीजिएगा। अभी इसको अच्छे से चम्मच से हिला दीजिए। तो फ्रेंड्स, अचार बनके रेडी हो गई है। आप इसे एक साफ कांच के बोतल में भर लीजिए और 3-4 दिन अच्छे से धूप दीजिए। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।